सो दोस्तों अभी भी सेटअप पे चढ़े थे, सोचे थे कबूतरों को खोलेंगे, मुर्गियों को खोलेंगे, लेकिन आने के बाद ही इतनी बारिश हो गई है, क्या बताएं। मौसम भी इतना ठंड हो गया कि मुझे खुद ठंडा लग गया है, मेरी भी आवाज़ बैठ गई है। बारिश है कि कितनी मज़े की बारिश हो रही है, जोर से आ गई है पानी। क्या आदिल भाई क्या करना है, अब रुकना है ना, कबूतरों को तो अभी नहीं खोलना है, सब भीग जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। चैनल पे आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना तो एकदम से ही मत भूलिएगा। तो अभी बारिश छूटा है थोड़ा देर के लिए, नहीं तो इससे पहले बारिश पे बारिश होते जा रही थी, पूरा फर्श हम लोग का भींगा हुआ छत का। और आदिल भाई जा रहे कबूतरों को खोलने के लिए। बादल कहाँ, बादल कम है आसमान में, हाँ लेकिन बारिश अच्छी खासी हो रही है, पूरा हम लोग का देखिए छत भींगा हुआ है। तो दोस्तों हम लोगों ने इन लोगों को चना दाना दे दिया है, चना नहीं दिया दाना दिया है ना, खाली चना देना बाकी है, सिर्फ दाना दिया है। इतनी जल्दी ख़त्म कर देता है ये लोग, सब खा लेता। और हमदान जा रहा पानी देने के लिए, दे दो हमदान। हम जब तक इंजेक्शन तैयार करते उसको, जो हमारा जो है जो खा नहीं पाता उसको इंजेक्शन से पानी पिलाते हैं, पिलाएंगे उसको, फिर तब तक ये पानी दे दे रहा है। थोड़ा भरते का है नहीं होगा, अंदर डूब के पीता उन लोग, हो गया ना। तो दोस्तों हम जाते हैं थोड़ा इंजेक्शन में पानी लेने के लिए। बारिशें भी रुकी है, मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा मौसम, है ना भाई। ऐसा मौसम में घूमने का दिल करता है, कहीं लगता है कहीं दूर जाए, कहीं दूर जाए। और बाइक में तेल नहीं है भाई, तेल नहीं, मेरा बाइक में तो तेल है। तुम्हारा बाइक में है तो तुम निकालो, क्या हुआ निकालोगे तो, हाँ तो हो गया ना। चने बहुत ज़्यादा हो गए आज, क्या बोले, चना कभी रहता है एकदम, कभी नहीं रहता है, आज है तो इतना सारा है। इंजेक्शन यहाँ खड़ा कर दिया है, पिला दोगे पानी, यहाँ यहाँ ठीक, यहाँ ठीक था, यहाँ पे हाँ हो गया ना। ये लोग भी आराम से नहा रहे हैं, बारिश हुई है ना, तो पानी यहाँ कमी नहीं है आज, जहाँ से मन कर रहा पी ले रहे हैं, जहाँ मन कर रहा नहा ले रहे हैं। उन लोगों को चना खिलाने जिनके बच्चे हैं अभी। तो दोस्तों हमारा जो कबूतर जो बच्चे निकाले हैं, इसका बच्चा अच्छा खासा बड़ा हो गया है, वो अपने बच्चों को भी फीड दे रहा है, फीड देते हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है भाई। हटो तो भाई थोड़ा दिखाने दो दोस्तों को, आ गया भाई, लो बदन में और बाल आ गया। हाँ दोस्तों को दिखाने तो, देखो अभी वो खिलाएगा। उठो उठो, तुम इधर से उठो ना, अभी वो खिलाने का मूड में भाई, उसको मत दो खाना। का खिलागा तब भाई, ना खिलागा, हाँ तो देंगे तब ना खिलागा। वो लोग खा लेता है, हजम हो जाता उसका एक हद तक, उसके बाद फिर खिलाता है। हाँ तो खाएगा तब ना खिलाएगा, अभी खिला रहा था भाई मेरा, कहाँ से खिलाएगा, तब रहेगा तब ना खिलाएगा। अरे रात भर नहीं खाया होगा वो, तो उल्टी करके खिला रहा है। हाँ उसे खिलाता है वो, देखो तुम आ गए, इन लोग को दे देना तब। हाँ दे दो, थोड़ा दूर करके दो, दूरी करके दे रहे, दूर करके दो, लोग खाएगा लोग खाने देते। अरे इन लोग का पास भी तो बच्चा है ना, अरे हाँ यार इन लोग भी तो बच्चा लेकर बैठ कर, इन लोग का ड्यूटी है अभी। बच्चे कितने बड़े हुए हैं माशाल्लाह, तो गुस्सैल कबूतर है यार। गुस्सैल कबूतर है, मार रही है, इसको भी दो चने दो, खाएगी है। सारे कबूतर हमारे, एक चीज़ अच्छा है कि वो चने खा लेते हैं, इन्हें के चना छोड़ देते हैं। देखिए ये भी खा रही है, देखिए बच्चा छोड़ के खाई है, खा रही है, क्योंकि पहले इसको खाना पड़ेगा खुद, तभी बच्चे को खिलाएगी। इसका बाप कहाँ है, इसका बाप दोस्तों, इसका बाप हमेशा उड़ जाता है, कहाँ चले जाता समझ ही में नहीं आता है। कहाँ है, नहीं वो नहीं है, वो इस वाले बच्चे का बाप होगा, उसका बाप मिलता ही नहीं है। कहाँ सबसे पहले तो जाता है वो स्कूल के ऊपर, इसका निकल के कहाँ उड़ के चले जाता समझ ही में नहीं आता है।
तो दोस्तों कबूतरों को तो भी बहुत केयर कर दिया, खाना पानी भी दे दिया अलग से, उन लोगों को चना भी दे दिया खिलाने के लिए, और आदिल अभी भी खिला ही रहा है उन लोगों को। हो गया ना, ठीक है रहने दो, हाँ अंदर में, हाँ उन लोग को अंदर में दे दो, वहाँ जो बच्चे बच्चे ने उन लोग खा लेगी, नहीं और किसी को नहीं देना है उसके अंदर। भाई इसके अंदर चना दो, ये वाला, हाँ पूरा नहीं पानी मत, उसको पहले ये कर लो ना, धो लो ना उसको, हाँ उसको, अरे ये तो गंदा है ना भाई, ओ ये गंदा है, इसको धो लो, धो के फिर उसके अंदर डाल दो। अभी वक्त है हम लोग का मुर्गा को खोलने का, देखिए उतर गया है, सबसे बड़ी हम लोग डोले बोले वो खोलना होगा क्योंकि वो बारिश में बहुत इंजॉय करेंगे। देखिए डोले बोले भी निकलेंगे, अभी सब निकलेंगे, डोले बोले पहले निकलते हुए, डोलू बोलू को अभी बारिश में बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि ये पानी के जानवर है, हमेशा लोग पानी में रहना पसंद करते हैं। देखिए ना अभी अभी थोड़ी देर में जाएंगे, जाके पानी पिएंगे, चलो 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 पानी में चलो। हाँ देखिए पानी में आ गए, चलो पानी में चलो, पानी में पानी में, देखिए मुर्गा से डर रहे हैं वो लोग, क्या कर रहे हो भाई। हाँ देखिए पानी पीना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। तो दोस्तों आदिल जा रहा है कबूतरों को बंद करने के लिए क्योंकि सारे कबूतर जा चुके हैं लगभग। ये देखिए उसको वो डब्बा बंद कर दिया है, अब इसको बारी ये वाला को बंद कर देना, अब सारे कबूतर चले गए, एक जंगली कबूतर भी बंद हो गया भाई। हाँ देखिए कैसा छटपट आ रहा है बाहर निकलने के लिए, पकड़ पकड़ चलिए जल्दी जल्दी चलो भाई, तुम टूट जाओ तुम टूट जाओ, कोई काम के नहीं हो भाई तुम, कहाँ कोई काम के, जबरदस्ती हो कोई काम के नहीं, ठीक है पकड़ लिया, निकालो उसको देखो अब क्या मिल रहा है, उधर हाथ में आ गया हम लोग का एक, तो क्या छिट पड़ा रहा है, देखे दिखाओ तो इधर हो गए, ऑरेंज ऑरेंज है लोग, आँख आँख एकदम हेवी लग रहा है, हाँ ऑरेंज आँख है। वहाँ तो सारे कबूतरों का ईद हो गया, नहा रहे वो लोग, ढोलू बोलू वो लोग वहाँ खा रहे हैं, खाना पीना चल रहा है उन लोग का। हाँ भाई 12 कबूतर है टोटल, 11 है तो 11 कबूतर है, चलो ठीक है ठीक है भाई, एक कम है तो इसका जोड़ा, इसका भी जोड़ा आ चुका है। मिनिएचर चिकन तो बेचारे खोल नहीं पा रहे क्योंकि उन लोग का पिंजड़ा नहीं है, इंशाल्लाह लोग अपने पिंजड़ा का कुछ करते हैं बंदोबस्त, उसको नहीं यार उसको आज़ाद होगा, अरे नहीं भाई वो आज़ाद, अरे नहीं वो जंगली कबूतर उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक उड़ा दे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग कहीं पे एंड करेंगे, अच्छा तुम उड़ाओ, हाँ उड़ाओ जोर से उड़ाओ, जोर से उड़ाओ, ओके चलो उड़ाओ, हाँ देखिए वो जंगली कबूतर चले गए उड़ के, हाँ हाँ चले गए वहाँ से वापस आ रहा है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग कहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।